नमस्कार, हम हैं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं महुआ प्लस पे आपन कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य कहाल। एक कार्यक्रम में हम आपके हर दिन के पंचांग बताइला और आपके राशिफल उदिन के कहाल बा उकरे साथ साथ उदिन के शुभ बनावे खातिन कौन उपाय करे के चाहिए और का चीज ना करे के चाहिए, कुल जानकारी हम आपके उपलब्ध कराइला। अब कार्यक्रम के आरंभ में आप जो मंत्र सुन ली हूँ, मंत्र रहे बुद्ध देवता के। मंत्र के अर्थ बा कि हे बुद्ध भगवान, हमारे जीवन में जौन भी कष्ट बा, जौन भी समस्या बा, आप उके निदान करी और हमार और हमारे परिवार के कल्याण करी। यही शुभ प्रार्थना के साथ अब हम लोग कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए और सबसे पहले जानकारी करल जाए आज के पंचांग के। आज के पंचांग बा विक्रम संवत 2072, मास चल रहा बा फागुन के। फागुन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि बा आज, बुधवार के दिन बा, नक्षत्र बा ज्येष्ठा, योग बा हर्षण, करण बा कौलव। आज के राहु काल पर रहल बा दिन में 12:13 से लेकर के 1:39 तक। अर्थात एक अर्थ ही भइल कि दिन में 12:13 से 1:39 के मध्य आपके कोई भी शुभ काम आज के तिथि में ना करे के चाहिए। एकरे बाद बारी आ जाए वेले गुलिका काल के। गुलिका काल अर्थात शुभ काल, जिसमें आप कोई भी अपन शुभ और विशेष कार्य आरंभ करी तो आपकी सफलता ज्यादा मिली। तो आज के दिनचर्या के गुलिका काल बाद 10:47 से लेकर के दिन में 12:13 तक। तो ये मध्य में यदि आप कोई अपन शुभ कार्य के श्री गणेश करी है तो आपके बहुत अच्छा लाभ मिली। तो पंचांग के बाद अब बारी बा आज के राशिफल जाने के। तो सबसे पहले बात करल जाए मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगन के आज के दिनचर्या में यदि आप नियोजित रूप से यानी प्लांड रूप में कोनो काम करी है तो आपके व्यावसायिक लाभ बहुत ज्यादा हो सकेले। योजना अगर आप कुछ व्यापारिक बनावत है तो ओमे भी आज आपके सफलता मिले के संभावना फिर बन रहल बा। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर रोगी लोगन के मध्य जाकर के कुछ वस्त्र और अन्न के दान करना आपके सफलता और लाभ देई। और बहुत बड़ा लोगन के जो आपके वरिष्ठ लोग हों परिवार में, ऐसा कोई भी कृत्य न करी कि उनके मन के उनके भावना के आपके व्यवहार से ठेस पहुंचे। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर आपके रंग बा विशेष रंग बा सुनहरा और शुभ अंक बा दुई। एकरे बाद बारी वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगन के लिए कार्य के साथ आज मनोरंजन खातिर भी कुछ अवसर निकाले की आवश्यकता बा। आज के दिनचर्या में अपना वाणी पर संयम रखना बहुत ज्यादा आवश्यक बा। सोच समझ करके आप बात व्यवहार करिए तो आपके लाभ ज्यादा मिली। आज के दिनचर्या में कोई नया अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट आपके न करे के चाहिए, काहे कि दिन परिस्थिति आपके पक्ष में उतना अच्छा ना बन रहल बा। आपके खातिर शुभ रंग बा आज पीला और शुभ अंक बा 7। इकरे बाद बारी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगन के आज के दिनचर्या में आवश्यकता बा कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नेत्र विकार यानी आंख से संबंधित, नेत्र ज्योति से संबंधित समस्या के संभावना आपके खातिर आज के दिनचर्या में बन रहल बा। तो ऐसे समस्या के नजरअंदाज करे के आवश्यकता ना होके जल्दी से जल्दी एकर समाधान ढूंढे के चाहिए। आज के दिनचर्या के आरंभ यदि आप माता पिता के आशीर्वाद से करें तो आपके बहुत अच्छा लाभ मिली। वाहन के प्रयोग करे में बहुत ज्यादा सावधानी रखे की आवश्यकता बा। आपके खातिर शुभ रंग बा भूरा और शुभ अंक बा 1। आज हम लोग चर्चा कर रहे बानी कि आपके जीवन में यदि आर्थिक समस्या बा तो आप ओकर का निदान करें। अक्सर लोग पूछे ना कि भैया बहुत प्रयास करे के बावजूद भी धन आवत बा लेकिन संचय ना हो पावत बा, कुल मिलाकर के येन केन प्रकारण धन खर्च हो जा रहल बा,
जिकरे चलते परिवार में कलह क्लेश की स्थिति और आर्थिक संकट की स्थिति बहुत ज्यादा बन रहल बा। ऐसे परिस्थिति में भगवान गणपति के पूजा आराधना भी बहुत अच्छा लाभ देवेले। ऋण हर्ता गणपति स्त्रोत के नियमित रूप से यदि आप पाठ करें तो जितना भी आर्थिक समस्या आपके जीवन में बा ओकर बहुत सरलता के साथ आप समाधान कर सकेंगे। तो दर्शक लोग कार्यक्रम में इस समय बा ब्रेक के उपार हम आपके बताएं अगला 6 राशि के राशिफल और ओकरे साथ साथ यदि आपके जीवन में भी नींद ना आवे के समस्या बा तो उसे संबंधित बहुत सरल और बहुत शक्तिशाली वास्तु उपाय। तो देखत रही महुआ प्लस पे आपन मनपसंद कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य का हाल। स्वागत बा आपके आपन कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य के हाल में। हम लोग आज चर्चा करते हैं कि कौन प्रकार से आपके दिनचर्या में जीवन में अगर कोनो भी प्रकार के कष्ट और बाधा बाओ के दूर करल जा सके। यही क्रम में हम आपके बतावे जाते हैं कि यदि आपके भी नींद ना आवे के समस्या बा तो आप का समाधान करें। अक्सर लोग कहलन कि सब सुविधा होए के बावजूद भी बहुत बढ़िया घर परिवार बा, बहुत महंगा से महंगा बिस्तर बा, सुंदर पलंग बा, गद्दा बा, बहुत बढ़िया, लेकिन थकने के बावजूद भी थकर रहे शरीर ओकरे बावजूद भी नींद ना आवेला। तो ऐसे में आपके बहुत सरल उपाय बा, आपके ध्यान ही रखे के चाहिए कि जब भी आप शयन करें यानी जब भी आप शैया पर बिस्तर पर सोए जाएं तो आपके सिर जौन बा वो दक्षिण दिशा के तरफ रहे और पांव जौन बा वो उत्तर दिशा के तरफ रहे। अगर आप ए व्यवस्था में शयन करते हैं तो आपकी नींद बहुत बढ़िया आई। अगर ओकरे बावजूद कहीं कोई गुंजाइश रह जाए ले तब अपने शयन कक्ष में यानी अपन सोए के कमरा में दक्षिण के दीवार पर यदि गणेश जी का एक फोटो या मूर्ति लगा देवल जाए तो नींद से संबंधित जौन भी समस्या बा ओकर निदान आपके चुटकी में मिल जाए। बहुत बढ़िया नींद आई, आप दुनिया भूल करके सोई हैं और जब उठिए तो आप स्वस्थ और ऊर्जावान अनुभव करिए। तय उपाय के बाद हम लोग राशि क्रम के आगे बढ़ावल जाए, चर्चा कर लेवल जाए कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वाले जातक लोगन के आज के दिनचर्या में कुछ खर्चा होए के स्थिति दिखात बा। ऐसा लगत बा कि आप परिवार के आवश्यकता से संबंधित कोई गृह उपयोगी वस्तु के क्रय करे खातिर कुछ खर्चा कर सकेले। तो जब परिवार के आवश्यकता के बात बा तो खर्चा अवश्य करे के चाहिए, वहाँ आपके पैसा के बारे में सोचे की आवश्यकता ना। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर हनुमान जी के पूजा आराधना कर लेना और हनुमान जी के लाल पुष्प के माला समर्पित करना आपके तरफ से बहुत बढ़िया लाभ दे सकेले। आज के दिनचर्या में आपके ध्यान ये भी रखे के बा कि सोवत भयल व्यक्ति के आप जगाई नहीं ओके नींद में व्यवधान न डाले। आपके लिए शुभ रंग बा लाल, अशुभ अंक बा दुई। एकरे बाद बारी आ जावेले सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगन खातिर आज के दिनचर्या में यदि आप लंबी दूरी के यात्रा के कार्यक्रम बनावत हैं तो आपके बहुत बड़ा नुकसान हो सकेले। तो लंबी दूरी की यात्रा से आज आपके बचे के चाहिए, ऐसा यात्रा करे से आपके बचना है। और उकरे साथे साथे आज के दिन के शुभ बनावे खातिर भगवान विष्णु के पूजा आराधना कर लेना आपके लिए विशेष फलदायी रही। मिथ्या भाषण यानी गलत बोलना, झूठ बोलना ऐसन प्रकृति से बचे के आवश्यकता बा। आपके खातिर शुभ रंग बा गुलाबी और शुभ अंक बन रहल बा 4। एकरे बाद बारी कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगन के लिए दाम्पत्य जीवन में आप मधुरता के अनुभव करिए। अपन वाणी पर नियंत्रण रखना और सोच समझ करके नपा तुला बोलना आपके बहुत अच्छा लाभ दे। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर आप जरूरतमंद लोगन के यानी गरीब और दरिद्र लोगन के मीठा और नमकीन भोजन के अगर वितरण करें, दान करें, उनके भोजन करावें, अन्न के दान करें तो आपके लाभ मिली। भोजन के बाद आज आप स्वयं स्नान न करें, शास्त्र के आज्ञा ही कहले कि सबसे पहले आप स्नान करें, उकरे बाद प्रभु के ईश्वर के ध्यान करें और तब जाकर के आप अन्न ग्रहण करें अर्थात भोजन करें। तो यही शास्त्र मर्यादा के आपके पालन करे के बाद आपके खातिर शुभ रंग बन रहल बा सफेद और शुभ अंक बा 8।
दर्शक लोग अक्सर हमसे लोग प्रश्न ही कर ले कि शरीर पर अगर छिपकली गिर जाए तो ओकर का फला देत बा। हम लोगन के धर्म शास्त्र में एकर बहुत अलग अलग अर्थ बतायल गेल बा। अलग अलग शरीर के हिस्सा पर गिरे का अलग अलग मतलब होले, ओकर अलग अलग फलादेश बा। लेकिन आप एक बात ही समझ नहीं कि अगर छिपकली आपके पीठ पर पीछे के तरफ शरीर पर कहीं गिरे और पुरुष लोगन के दाहिने तरफ गिरे और महिलाओं के बाएं तरफ गिरे तो बहुत शुभ बा। यही तरह अगर महिला लोगन के शरीर के अंग पर दाहिने तरफ गिरे और पुरुष लोगन के बाएं तरफ गिरे तो वल्ली पथन के विचार में इसे बहुत अशुभ मानल जाला। ओकर उपाय बा कि अगर मान ला कबो आपके साथ ऐसा घटना दुर्घटना घट भी जाए तो आप थोड़ा सा नमक अपने हाथ में ले लें, अपने सर के ऊपर से घड़ी के दिशा में जैसे आप परिक्रमा कर लें 7 बार वो नमक घुमा करके पानी में बहा दें, कहीं भी आप गिरा दें और उसके बाद स्वयं एक बार आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं, ओकर जौन भी दोष रही वो समाप्त हो जाए। तो अब बारी बार एक बार फिर से राशि क्रम के आगे बढ़ावे के, तो एक क्रम में बात करल जाइए अब तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या सुखद यात्रा और सुरुचिपूर्ण भोजन करे के अवसर प्राप्त करावे वाला बन रहल बा। यानी यात्रा हुई तो उसमें भी आपके सुख प्राप्त हुई और यात्रा में बढ़िया बढ़िया अपने रुचि अनुसार स्वादिष्ट भोजन करें आप, ऐसा संयोग आपके खातिर बन रहल बा। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर आपके क्रोध करे से बचे के बा और काम में या यात्रा में लापरवाही न करें, ये बात के आपके ध्यान रखे के चाहिए। आपके खातिर शुभ रंग बा गुलाबी और शुभ अंक बा 9। अगला राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगन के लिए खासतौर पर आयात निर्यात करे वाले व्यापारी बंधु लोगन के लिए आज बहुत मोटा लाभ प्राप्त करे के दिन बा। यानी जे भी लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से जुड़ल बा उनके बहुत अच्छा लाभ मिले, ऐसा लक्षण बन रहल बा। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर कुमारी कन्या लोगन के पूजन कर लेना या कन्या लोगन के कुछ मिष्ठान या कुछ दान दक्षिणा देना आपके बहुत अच्छा लाभ दे। और आपके ध्यान ही रखे के बाद कि बिना स्नान किए आप मस्तक पर तिलक धारण न करें। आपके खातिर शुभ रंग बा लाल, अशुभ अंक बा 9। एकरे बाद बारी आवेले धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में लक्षण ही बन रहल बा कि आपके कोनो प्रिय वस्तु जौन खो गइल रहे, गुम गइल रहे, चोरी चल गइल रहे, आज कहीं से अचानक आपके ओकर सुराग मिल जाए, जानकारी मिल जाए या आपके गुम वस्तु आपके प्राप्त हो जाए, ऐसा योग बन रहल बा। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर आपके करे के ही चाहिए कि एक साबुत हल्दी के गांठ लेकर के जल क्षेत्र में कहीं भी आप प्रवाहित कर दें तो आपके लाभ मिले। आपके खातिर शास्त्र आज्ञा ये बा कि मध्य रात्रि में आज आपके स्नान करे से बचे के बा। आपके खातिर शुभ रंग बा हरा, अशुभ अंक बन रहल बा 6। तो दर्शक लोग इस समय बा कार्यक्रम में एक बार फिर से ब्रेक के उपार हम आपके बताई अंतिम 3 राशि के हाल और उसके साथ साथ तो कुछ बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली वास्तु के सूत्र जिनका प्रयोग आप अपने परिवार में अपने घर में कर सकेंगे और अपने जीवन के सौभाग्यशाली बना सकेंगे। तो देखत रही ग्रहण के चाल भाग्य का हाल। नमस्कार, स्वागत बा आपके आपन कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य का हाल में। अब समय बा हम लोग चर्चा करल जाए अंतिम 3 राशि के और उकरे साथ साथ हम आपके बताए आज के महा उपाय जिमे हम लोग चर्चा करे वाला ही वास्तु उपाय के बारे में। तो राशि के क्रम में हम लोग अब चर्चा करब मकर राशि पर। मकर राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिन सुखद हो सकेला। अपन कोई प्रिय व्यक्ति जैसे काफी समय से मुलाकात ना भइल रहे, कोई ऐसा न व्यक्ति, कोई पुरान मित्र मिल जाए, उसे भेंट मुलाकात हो जाए, जिकरे साथ मिलकर के आप सुखद पल के आनंद ले सकेली। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर पशु पक्षी लोगन के अगर आप सतंजा दें, 7 तरीके के अनाज खिलाएं तो आपके बहुत अच्छा लाभ मिल सकेले। और दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके आपके मुख करके भोजन ग्रहण करे से बचे के चाहिए। आज के दिनचर्या में आपके शुभ रंग बा भूरा और शुभ अंक बा 2। एकरे बाद बारी आ जावेले कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में परिवार के साथ मनोरंजन हेतु आप कुछ खर्च कर सकेले, कुछ व्यय करे के स्थिति हो सकेले। तब परिवार के साथ जब आप कहीं जाएं तो ऐसे में खर्चा के चिंता ना करे के चाहिए। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रही।
नीले रंग के वस्त्र के यदि आप प्रयोग करिए तो आपके आज नुकसान हो सकेला। तो आपके शुभ रंग बन रहल बा ग्रे और शुभ अंक बन रहल बा एक। इकरे बाद बारी बा मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगन के लिए जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होई। व्यस्तता के बाद भी आप परिवार के समय निकाल के दे सकेली, ऐसी स्थिति आपके खातिर आज बन रहल बा। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर आपके करे के ही बा कि जब भी आप स्नान करें तो स्नान के जल में छोटा टुकड़ा फिटकरी डाल करके वो जल से स्नान करें तो जितना भी नकारात्मकता आपके अंदर या आपके आसपास बा वो नष्ट हो जाए और आपके शुभ फल मिले। आज की दिनचर्या में आपके ध्यान ये भी रखे के बा कि पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप भोजन ग्रहण न करें। आपके खातिर शुभ रंग बा स्लेटी और शुभ अंक बा छ। तो दर्शक लोग अभी समय बा आज के वास्तु उपाय जाने के, आज के महा उपाय जाने के, जिनमें आज हम लोग चर्चा करब वास्तु शास्त्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत पर। वास्तु शास्त्र घर भवन मकान इत्यादि या मंदिर निर्माण करे के प्राचीन भारतीय विज्ञान बा, जेके आधुनिक समय के विज्ञान आर्किटेक्चर के प्राचीन स्वरूप मानल जा सकेला। वास्तु शास्त्र हमार जो पुरातन ऋषि मनीषी रहलन उनकर हम लोगन खातिर एक अद्वितीय देन मानल जा सकेले। वैसे तो बहुत सारे वास्तु नियम हम लोगन के धर्म शास्त्र में बा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नियम जेके हम लोगन के अपने दैनिक दिनचर्या में या अपने घर में पालन करे के चाहिए वो हर व्यक्ति के जरूर जाने के चाहिए। इन वास्तु के इन सिद्धांतन के प्रयोग में ले करके आप अपने जीवन के कष्ट के दूर कर सकेंगे, तई आपके जीवन के कल्याण खातिर बहुत आवश्यक बा। तो आवा हम आपके कुछ बहुत विशेष जानकारी देते हैं कि बहुत ध्यान से सुनल जाए। बहुत घर में आप देखले हुई हैं कि लोग टूटा कांच रखे लें। जी हाँ, घर में पैसा अगर आप बचावे चाहते हैं तो घर में आपके टूटा कांच ना रखे के चाहिए। जितना भी टूटल फूटल कांच शीशा होए, आप चाहे वो मुंह देखे वाला होए, चाहे दरवाजे या खिड़की का शीशा होए, ओके सबसे पहला काम बा कि आप हटा दें। सबसे बड़ा गलती का करे लें लोग कि अगर कहीं शीशा टूट गए बा, कांच फूट गए बा, तो ओके कागज लगा करके ढक देवे लें। ये बहुत गलत बात बा, ऐसे नकारात्मकता ओकर समाप्त ना होवे लें। वो आपके परिवार में लगातार आर्थिक हानि और शारीरिक कष्ट रोग देत रही। एक बाद बात आवेले रुकल घड़ी के। जी हाँ, आप अक्सर देखले हुई है कि दरवाजे पर या दीवार पर कहीं घड़ी बंद बा, तो वो बंद पड़ल बा, ओकरे तरफ केहू को ध्यान ना बा। चलत घड़ी जौन हो एक अच्छे समय के संकेत करेले, और वहीं दूसरी तरफ अगर दोनों बंद घड़ी रही तो वो खराब समय के आपके प्रदर्शित करी, और ऐसे में आप निरंतर समस्या में घिरत जाइए और आपका समय कबो ठीक ना आई। तो सबसे पहला काम बा कि घर में जितना भी बंद घड़ी बा ओके आप तत्काल सही करावे, बैटरी बदले और ओके सुचारू रूप से समय मिला करके सही चला दे। एकरे बाद बारी आ जाएले हम लोग के घर में टूटल फूटल मूर्ति के। जी हाँ, आप देख लो ये आपके पूजा स्थान में या घर में कई जगह लोग सजा के देवी देवता के मूर्ति रखे ले, और वही डेकोरेटिव पीस में कहीं कोई कबो टूट फूट हो जाले। लेकिन अब लोगन के जानकारी ना कि टूटल मूर्ति के करल का जाए, या तो मंदिर में रख के लोग निरंतर उनकर पूजा करत बना देवता का, या उनके सजा के रख ले बना। ऐसे में यदि आप टूटल मूर्ति के पूजा करी है या घर में रख ले रही है तो आपके तरक्की में बाधक बनल रही, आपके परिवार में झगड़ा के क्लेश के सबसे बड़ा कारण बनल रही। ते में आपके करे के बा कि सबसे पहले वो मूर्ति के उठावे, और कोनो अच्छा दिन देख करके गुरुवार या शुक्रवार के दिन देख करके आप आसपास जौन भी जलाशय होए, नदी तालाब कुआं, ओमे ले जा करके आप इनके विसर्जित कर दें, और जौनो भूल चूक भइल बा ओकरे खातिर आप क्षमा के प्रार्थना करें। एकरे साथ साथ कुछ ऐसा उपाय भी बा कि जेके आप अपने घर में प्रयोग में लिया करके घर के ऊर्जा के और शुभ बना सकेले। वही क्रम में घर में मछली रखना या कृत्रिम मछली घर जेके एक्वेरियम कहल जाला अंग्रेजी में, वो बहुत महत्वपूर्ण बा। आप अपने घर में धन आगमन खातिर अगर छोटा सा मछली घर भी रखें, एक्वेरियम रखें, तो आपके बहुत अच्छा लाभ मिली। उमें कम से कम अगर छोटा आप एक्वेरियम रखते हैं तो दूठे गोल्डन यानी सुनहरा मछली होए के चाहिए, और अगर थोड़ा बड़ा मछली घर आप रख सकते हैं तो कम से कम 8 गोल्डन और 1 काला मछली का नियम हमारे धर्मशास्त्र में वास्तुशास्त्र में बताया गया बा। अगर यही रेशियो में आप रखें तो आपके फायदा मिली।
आप अक्सर देख रहे हैं कि लोग घर के डेकोरेशन खातिर, घर के साज सज्जा खातिर कांटेदार पौधा, कैक्टस टाइप का पौधा बहुत लगा करके घर के खूबसूरती बढ़ावे का प्रयास करेंगे। ये कांटेदार पौधा जितना भी आपके घर में रही, आपके परिवार के लोगन के बीच में आपस में तनाव, मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा के कारण बनत रही। उकर सबसे बड़ा कारण ये बा कि उनमें जितना भी कांटा होला, वो कांटा से नकारात्मक ऊर्जा निकले ले, तो उकरे चलते व्यक्ति का स्वभाव व्यवहार जौन हो हमेशा उग्र रही, लड़ाई झगड़ा के लिए आदमी सदैव तत्पर रही। तो आपके ध्यान ही रखे के बा कि घर में रहे वाले स्थान में कम से कम कैक्टस न रहे, घर के बाउंड्री से बाहर जहां आप रहती हैं, बाहर अगर आप कहीं लगे हैं तो हमें कोनो दिक्कत ना बा। दूसर बात ध्यान देवे की आवश्यकता ये बा कि जितना भी घर में टॉयलेट यानी शौचालय बा, ओकर दरवाजा आप सदैव बंद करके रखे। काहे कि जब घर के अंदर का टॉयलेट का दरवाजा खुलल रही तो जितना भी नकारात्मकता बा वो घर के शुभ ऊर्जा के समाप्त करी, यानी जोन शुभ ऊर्जा बा ओके खराब करी। तो जब आप टॉयलेट के दरवाजा बंद रखिए तो नकारात्मकता आपके घर के शुभ ऊर्जा के प्रभावित न कर पाई। यदि थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये छोटा छोटा बात बा जो गलती हम आप सदैव अपने घर में करल जाला, अगर ये बात के आप ध्यान रखें तो बहुत बड़ा बड़ा नुकसान के आप बचा सकेले। तो बहुत छोटा छोटा बात बा जिके हमके आपके अपन दैनिक दिनचर्या में ध्यान रखे की आवश्यकता बा, जिकरे माध्यम से हमार आपके जीवन खुशहाल हो सकेले। तो दर्शक लोग, यदि आप भी चाहते हैं आपके जीवन में कोनो कष्ट बा और आप हमसे चाहते हैं ओके समाधान, तो आपके टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी और फोन नंबर आ रहल बा, ऊपर आप अपन जन्म विवरण यानी जन्म का तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान हमें ईमेल या एसएमएस करें। यदि कार्यक्रम से संबंधित आपके पास कोई सुझाव बा तो आपके सुझाव भी हम लोग सहर्ष स्वीकार करब। यही शुभकामना के साथ कि आपके आज के दिन मंगलमय हो हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु सर्वे ग्रह Om Aim Ring